गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो यू आर एबल टू हियर मी? एक बार यस सर, नो सर, फटाफट बोलो, कैन यू हियर मी? ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं। सो वंस अगेन, मेरे ख्याल से मुझे स्क्रीन को सीधा करने की जरूरत है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। स्क्रीन सीधा हो गया, यस, नाउ इट इज ओके। ऑलराइट, सो तो भगवान का नाम लेकर आज हम क्लास 12 शुरू कर देते हैं। सो वेलकम एवरीबॉडी फॉर द लेक्चर्स फॉर क्लास 12। लेकिन यस, मैं आपको बता दूं कि क्लास 11 हम कंप्लीटली बंद नहीं कर रहे हैं, हमारा क्लास 11 चलता रहेगा। थोड़ा थोड़ा मैं अभी उसका वीडियो अपलोड करता हूँ। मुझे मेगा व्यास ने बोला था कि सर काइनेटिक थ्योरी और गैसेस का एक प्रॉब्लम पेंडिंग है 13.3, यस मुझे याद, वो भी मैं खत्म कर दूंगा। फिर इसके इस चैप्टर के कुछ पेंडिंग एग्जांपल्स है, वो भी खत्म कर दूंगा। आज के दिन में ऑसिलेशन चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशंस मैं आज के दिन में स्कैन करके आपको भेज दूंगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर्स के सॉल्यूशंस दिए थे ना, वैसे इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो ये चैप्टर शुरू कर देते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का, पार्ट 2, रे ऑप्टिक्स। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप लोग टेक्स्ट बुक अपने साथ रखना, और बच्चों एक काम करेंगे, आज के लेक्चर से टेक्स्ट बुक के अंदर मैं आपको जो अंडरलाइन करवाया करता था वो आज से मैं टेक्स्ट बुक के अंदर आपको अंडरलाइन करवा के देता रहूंगा। लेकिन कैसे करवाऊंगा मैं, तो मैं उसका फोटोग्राफ क्लिक करके आपको ग्रुप में भेज दिया करूंगा, सेंड कर दिया करूंगा। सो आप उसको फिर आपकी टेक्स्ट बुक्स में अंडरलाइन करते रहना, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वुड बी हेल्पफुल टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और ट्वेल्थ में मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें और इलेवेंथ में जो पढ़ाता था उसमें, दोनों मेथड्स में बहुत फर्क आ रहा है, क्योंकि ट्वेल्थ जो है ना स्टूडेंट्स, अपने को बोर्ड एग्जाम के लिए भी साथ साथ तैयारी करते रहना है। और इसीलिए मेरा पूरा पढ़ाने का तरीका ऐसा होगा कि आपका जनरली नीट तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ बोर्ड का प्रिपरेशन भी चलता रहेगा। वैसे इलेवेंथ में भी मैंने उसको निगलेक्ट नहीं किया था, इलेवेंथ में भी जो मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं बोर्ड को डेफिनेटली कंसिडर करता था और आपको थियरी के आंसर्स वगैरह भी समझाता जाता था। चलो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट अस स्टार्ट। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स? सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी बिहेवियर। लिखना नहीं है, स्क्रीनशॉट की भी जरूरत नहीं है, अभी मैं लिखता भी नहीं हूं, मैं भी ओरली बोल देता हूँ। क्या क्या स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इंटरेक्शन ऑफ लाइट विथ मैटर एंड सर्टन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सारी चीजें हम जिसमें स्टडी करते हैं उसको ऑप्टिक्स बोलते हैं। कौन कौन सी चीजें? बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का बिहेवियर, वेव के जैसा है कि पार्टिकल्स के जैसा है उसको हम स्टडी करते हैं। तो बिहेवियर ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन वगैरह वगैरह जो प्रॉपर्टीज है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफियरेंस है, ये सारी प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिक्स। फिर हम लाइट जब किसी मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो उसका आउटकम क्या होता है वो हम स्टडी करेंगे। और फाइनली हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप हम स्टडी करेंगे। और भी बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं लेकिन वो सब हम स्टडी नहीं करने वाले, जैसे पेरिस्कोप एक और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, फिर बाद में कैलिडोस्कोप भी एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन वो सब हमको स्टडी नहीं करना, हम सिर्फ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप को स्टडी करेंगे। तो चलो आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। ऑप्टिक्स है ना, उसके दो पास होते हैं, ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस। ऑप्टिक्स एक ब्रांच है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स और दूसरा है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज रे ऑप्टिक्स। And wave optics is also called as physical optics. ये आपको बाद में स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी करना है, ये कॉपी नहीं करोगे डेफिनेशन में भी चलेगा। तो ऑप्टिक्स के दो ब्रांचेस है, रे ऑप्टिक्स है, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब सवाल ये है कि हम रे ऑप्टिक्स को कब स्टडी करते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स को कब स्टडी करते हैं। तो
जब ऑब्जेक्ट्स की साइज मच ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ ऑब्जेक्ट की साइज से बहुत ज्यादा कम होती है। और हमारी डेली लाइफ में हम जो भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, पेन देखते हैं, फिर पेपर देखते हैं, और आसपास के जितने भी मटेरियल आप देखते हो, तो सारा मटेरियल का जो साइज है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपैरिजन में, आपको बताया कि लाइट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसके जो वेवलेंथ होते हैं उसके कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट की साइज बहुत, मतलब उससे ज्यादा बड़ी होती है, काफी बड़ी होती है, तब हम रे ऑप्टिक्स का स्टडी करते हैं। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स और ऑब्स्ट्रक्शंस, यहां भी ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं, साइज इज कंपेरेबल और लेस देन वेवलेंथ, लैम्बडा मींस वेवलेंथ, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ऑब्स्टेकल्स इज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन वी यूज द फिनोमिनन ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो आज के चैप्टर में अपने को वेव ऑप्टिक्स स्टडी करना है, तो वेव ऑप्टिक्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे। चलो स्क्रीनशॉट देखो फटाफट और हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू टेकन द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव अहेड। मेरी यहाँ पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रे? अभी रे को समझने से पहले आप लोगों को एक बात को याद रखनी है कि आपको पता है कि जब हम रे ऑप्टिक्स कंसिडर करते हैं तो रे ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो, लाइट हमेशा ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रे ऑप्टिक्स वी नो दैट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी जब लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो लाइट का जो पाथ है, पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनादर इज कॉल्ड रे। तो ये लाइट का रे है। एक्चुअली हम जानते हैं कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइट जो है ऐसे वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल, लेकिन हम ऐसे नहीं लेंगे लाइट को, हम ऐसे कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्स्टेकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं उनके कंपैरिजन में ये वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, तो हम लाइट को ऐसे वेव के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। और बहुत सारी रेस, बंडल ऑफ रेस इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। कभी कभी क्या है, नीट वालों को थियोरेटिकल क्वेश्चंस पर पूछे तो इट्स कॉल्ड लाइट। ये एक लाइट का रे हो गया, ये दूसरा लाइट का रे हो गया, ये तीसरा रे हो गया। अब हम रेस को ऐसे गिन तो नहीं सकते, वी कैन नॉट काउंट द रेस लाइक दिस, बट वी कैन इमेजिन दैट देयर आर अ बंडल ऑफ रेस एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बीम। लाइट की स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स? सो टू बी वेरी प्रिसाइज, पहले तो एक बार और याद रखो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। ये सारा है ना इंट्रोडक्शन है, और थोड़ा आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार जेडबली और नीट में, खास करके नीट में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और ऐसे सिंपल सिंपल लल्लू क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज लाइट? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और एक बात बता दूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो है ना बहुत सारे टाइप की वेव्स होती है, विजिबल लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट लाइट के शॉर्ट में यूवी लिखता हूँ, अल्ट्रा वायलेट लाइट आपको पता है, इंफ्रारेड लाइट, ये सारी लाइट की अलग अलग टाइप्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और हमको ये तीन टाइप्स स्टडी करना है। और भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल गामा रेज होते हैं, फिर बाद में एक्स रेज होते हैं, रेडियो वेव्स होते हैं, और उसे मीटर वेव्स होते हैं, लेकिन ये सब हमको स्टडी नहीं करना है, ये सब हमारे ऑप्टिक्स में नहीं आएंगे, हमारे ऑप्टिक्स में ये तीन टाइप के वेव्स को हमें स्टडी करना है, ठीक है। अभी आपको पता है कि लाइट जो है वो हाईएस्ट स्पीड का काम करती है, एकदम एक्यूरेट लाइट की स्पीड अगर याद रखें तो 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो। बट इन वैक्यूम लाइट की स्पीड
इज हाईएस्ट, इन वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट। तो ये सारा थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन था, फटाफट फिर से स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे बोर्ड रब करना है। आई विल रब द बोर्ड, टेक द स्क्रीनशॉट एंड वी विल गो अहेड। चलो अभी आगे बढ़ रहे हैं, आई होप दैट यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, अभी आगे बढ़ जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है, थोड़ा थोड़ा अभी हम मेन पॉइंट्स पर आते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मींस व्हाट? टर्निंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम any substance. So we are now going to study reflection of light. जब लाइट किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो वहां से रिटर्न हो जाती है, तो ये जो रिटर्न होने का फिनोमेना है, ये सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट वो किसी सरफेस पर जब गिरती है तो वहां से रिफ्लेक्ट रिटर्न हो जाती है, तो वो रिटर्न होने का जो फिनोमेना था उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी दो टाइप के रेज आपको याद रखना है, इंसिडेंट रे कौन सा होता है? इंसिडेंट रे वो रे है जो सरफेस की तरफ जाता है, टुवर्ड्स सरफेस। फिर रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होता है? जो सरफेस से अवे जा रहा है, तो ये इंसिडेंट रे है। मैं शॉर्ट में आईआर लिखता हूं, आईआर मतलब इंफ्रारेड रे कंसिडर नहीं करने का ना, इधर पे आईआर मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ये अपना रिफ्लेक्टेड रे है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं आरआर, एग्जाम में अगर आपने आईआर और आरआर शॉर्ट में लिख दिया तो आपको मार्क्स भी शॉर्टकट में मिलेंगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये यहां पर सिर्फ टाइम और स्पेस बचा के लिए लिखता हूं। रिफ्लेक्टेड रे इज अ रे व्हिच इज गोइंग रे फ्रॉम द सरफेस। अगर ये कोई सरफेस है और ये कोई इंसिडेंट रे है, तो जहां पर वो रे, ये इंसिडेंट रे है अपना आई आर, जहां और हमेशा रे इंसिडेंट रे बताते हैं, तो आपको एरो इंडिकेट करना है जिस जगह पर, जिस पॉइंट पर वो रे सरफेस को मीट करता है, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूं, तो दिस परपेंडिकुलर लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। और यहां से जब रे बाहर की तरफ निकल जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल बिटवीन, ये शॉर्ट फॉर्म मैं यहां पर टाइम और स्पेस दोनों बचाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में इस तरह का शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है, याद रखना। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, शॉर्ट में लिखता हूं मैं आईआर, एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हम उसको आई डिनोट करेंगे या सिर्फ आई, कभी कभी ना सिर्फ आई लिखते हैं। फिर एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल, उसके बीच का जो एंगल है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंडिकेट करेंगे r और small r। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहला लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हमेशा ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, याद रखो। ये एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस आई हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस आर हो जाएगा और वो दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। These two angles also are equal, remember that. Second law, incident ray, reflected ray and normal are in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal are always in the same plane. अभी इसको समझना है तो कैसे समझेंगे? तो देखो, मान लो अगर ये जो pen है वो normal को denote करता है, ये surface है, तो मैंने सरफेस पर ये नॉर्मल खड़ा कर दिया, तो ये इंसिडेंट रे ऐसे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे निकल रहा है,
तो देखो याद रखो, इंसिडेंट रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बाहर नहीं आएगा। अगर ऐसे बाहर आएगा या ऐसे आएगा तो वो सेम प्लेन में नहीं है। इंसिडेंट रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा ही जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर ऑलवेज इन द सेम प्लेन। और एक तीसरा लॉ है जो अक्सर बुक्स में नहीं लिखा जाता है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल की दोनों ऑपोजिट बाजुओं में होता है, ये याद रखने का। तो थर्ड लॉ बुक्स में तो होता नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे आर ऑन अदर साइड्स, आइदर साइड्स ऑफ नॉर्मल। ये हो गया लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने इस कंसेप्ट में बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है, इंसिडेंट रे किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन, फिर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो और मैं भी स्क्रीन शॉट ले लूँ आपके अटेंडेंस का। किसी को कुछ पूछना पता है तो बोलो। वॉइस प्रॉब्लम खाली तब देसाई को वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, किसी और स्टूडेंट को वॉइस प्रॉब्लम है तो बता दो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों का। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? उत्सव देसाई, और उत्तम देसाई को वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा था, अभी पता नहीं कि क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी को प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस गो एंड अंश चौधरी, अंश चौधरी तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? अंश चौधरी आज तुम मुझे फोन करो, तुमको आज मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है, आज हम बात करेंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद तुम मुझे फोन करोगे, ठीक है? अंश चौधरी, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी। After your lecture gets over, call up and talk to me. And I believe Mayur Chaudhary, you also call up and talk to me after the lecture gets over. Then who is this? Kapri. चलो सारे बच्चे आ गए, कोई बाहर का student तो join नहीं हुआ है, दो मिनट अपने को ये देख लेना चाहिए हर रोज, क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है, problem होता है। Okay, Uttam Desai. और वो थोड़ा सा वेव थियरी के साथ रिलेटेड है, लेकिन मैंने आपके साथ वेव्स वाला कंसेप्ट नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम फिर भी ये पॉइंट को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने जब आपको ऑसिलेशन समझाया था तब ये जो कुछ भी अब मैं समझाने जा रहा हूं, अब मैं जो कुछ भी समझाने जा रहा हूं, सुन लो ध्यान से, वो टेक्स्ट बुक में कुछ भी नहीं है, फिर भी समझना है। क्यों? क्योंकि ये सब आप लोगों ने क्लास 10 में स्टडी किया है, 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है, और 10th स्टैंडर्ड में मेरे को मालूम है आप लोगों ने खाली गोखड़ पट्टी किया है, और इसलिए वो कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर नहीं होंगे। तो मैं ये सारी छोटी 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 चीजें मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वैसे मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ, फेज, पीएचए, ऐसे फेज, वो आपने 10th में स्टडी नहीं किया, 11th में स्टडी किया है। ऑसिलेशंस में भी मैंने आपको फेज के बारे में समझाया था। तो फेज जो होता है, फेज यहां पर जब कोई लाइट का रे डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होता है, व्हेन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम denser medium, then phase changes by pi. Denser medium में से जब reflection होता है तो phase change कितना होता है? Pi. और reflection जब rarer medium से होता है, from rarer medium, मतलब जो medium dense में है, lighter है, तब phase change नहीं होता है, फेज डज नॉट चेंज।
ये आपको याद रखना है. When light reflects from a denser medium, इसे denser medium से जब light reflect होता है, जैसे कि for example कांच के surface पर से जब reflection होता है तो फेस चेंज होता है पाई देता है. लेकिन अगर किसी रेरर मीडियम में से रिफ्लेक्शन होता है तो फेस चेंज नहीं होता है. अब डेंसर मीडियम और रेरर मीडियम का मतलब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होता है. ये जो डेंसर है ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होता है और ये ऑप्टिकली रेरर मीडियम होता है. अब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम और ऑप्टिकली रेरर मीडियम क्या होता है उसका टेंशन नहीं लेने का है. हम लोग उसको आगे जाकर फिर स्टडी करने वाले हैं. तो डोंट वरी मच अबाउट दैट. बस इस समय इतना याद रखो कि लाइट जब किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है या किसी रेरर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो क्या होता है. डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो फेस विल चेंज बाय पाई, रेरर मीडियम से रिफ्लेक्शन होगा तो फेस चेंज नहीं होता है. ये एक बात है. दूसरी बात आपको इमेज फॉर्मेशन समझना है. इमेज फॉर्मेशन कब होता है जब रिफ्लेक्टेड रे, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स. रिफ्लेक्टेड रेज मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट देन वी गेट एन इमेज. तो ये आपको याद रखना है कि जब रिफ्लेक्टेड रेज किसी पॉइंट पर मीट करते हैं या ऐसा लगता है हमको कि वो वहां मीट कर रहे हैं तब हम उसको इमेज बोलते हैं. अब इसका भी मीनिंग क्या होता है तो जब हम कुछ डायग्राम्स रे डायग्राम्स को स्टडी करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा. वैसे ये सब चीजें आप लोगों ने ये स्टेटमेंट ये डेफिनेशन जो है एकदम बेसिक डेफिनेशन है. आप लोगों ने लोअर क्लासेस को स्टडी किया है, एट में भी था, सेवेंथ में भी था, टेंथ में भी था. तो फिर भी मैंने आपको इसका डेफिनेशन समझा दिया है. एंड टू बी मोर प्रिसाइज व्हेन आई विल गो फर्दर विद रे डायग्राम्स आई विल स्टिल वन सेकंड रिवाइज व्हाट यू मीन बाय इमेज. तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ जाते हैं. Let us go ahead with from the topics. Now there are two types of images. One is real image and the other is virtual image. What is a real image? What is a virtual image? Let us see that. देखो, जब rays actually meet करते हैं, तो आपको real image मिलेगा और rays सिर्फ ऐसा लगता है कि meet कर रहे हैं. We have two types of images: real image and virtual image. And the reflected rays actually meet, then you get real rays. And here, reflected rays appear to meet, then you get virtual rays. अभी ये सिर्फ रिफ्लेक्टेड रेज होगा ऐसा जरूरी नहीं है. दिस रेज कुड बी रिफ्रैक्टेड रेज आल्सो. व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टेड रेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, ऑल दैट वी विल बी स्टडिंग फर्दर. वैसे टेंथ में आपने पढ़ा है लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से उसको आगे बढ़ा रहा हूँ. बाद में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है. मैं रिफ्रैक्शन वर्ड बोल रहा हूँ. यू हैव हर्ड दिस वर्ड आई होप. रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्शन, सो डोंट मिक्स अप. And in both the cases, you have these two types of images. Another difference between real and virtual images is that real image can be obtained on a screen. Virtual image cannot be obtained on a screen. Then real images are always inverted. Virtual images are always erect. Real images are formed by lenses, convex lens, concave mirror, and sometimes plane mirror. Under certain specific conditions, and virtual images are formed by
कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स वी एंड ऑलवेज बाय प्लेन मी। ये सब भी आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ सकते हो। इनमें से कोई भी चीज आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, फिर भी मैं इतनी बारीकी से एकदम डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि बार बार इन सब कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन आपको आने वाला है। सो स्टूडेंट्स, सी बिफोर आई स्टार्ट माय एक्चुअल चैप्टर, टुडेस लेसन कैन बी कंसीडर, टुडेस लेक्चर कैन बी कंसीडर एज एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, बिकॉज इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द चैप्टर वेरी वेल। सो आई बिलीव दैट दिस बेसिक टॉपिक्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। सो ये हो गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज का डिफरेंसेस। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और हम आगे बढ़ जाते हैं। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव अहेड। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने यहाँ पर लास्ट पॉइंट में लिखा है कि प्लेन मिरर कभी कभी रियल इमेज फॉर्म करता है, तो कौन सी सिचुएशन में प्लेन मिरर रियल इमेज फॉर्म करता है, उसको हम समझते हैं। चलो, ऐसा क्वेश्चन पास्ट में कभी जेडब्ल्यू वालों को भी पूछा गया था और नीट वालों को भी पूछा गया था, इसलिए ये मैं थोड़ा आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि रियल इमेज कब फॉर्म होता है। मान लो ये कोई प्लेन मिरर, आपको पता है मिरर को बताने के लिए आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हो और उसके पीछे ऐसी ऑब्लिक लाइन ड्रॉ करते हैं और एक रे ऑफ लाइट ऐसे आता है। These rays of light are incident on the plane mirror. Such rays of light are called as converging rays. ये converging rays जो होते हैं, अभी देखो यहाँ से अगर मैं एक normal draw करता हूँ, तो ये अपना incident ray है, ये हो जाएगा अपना reflected ray. So this is incident ray, reflected ray. अब ये दूसरा incident ray है, यहाँ से अगर मैंने normal draw किया तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो, ये जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये इंसिडेंट रे का मुझे एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गया और ये वाला जो इंसिडेंट रे है उसका भी मुझे एक रिफ्लेक्टेड रे मिल गया। सो दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बोथ आर इक्वल एंड एट दिस पॉइंट द रेज आर एक्चुअली मीटिंग। सो यू आर गेटिंग अ रियल image. Rays are actually meeting and so you are getting a real image. So remember one thing, that when converging rays are incident, remember, listen to this statement, when converging rays are incident on a plane mirror, then the rays, the image form is a real image. So plane mirror mein real image form milta hai, to jab converging rays kisi mirror ke upar incident hote hai तब आपको रियल इमेज मिलता है। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं प्लेन मिरर्स के बारे में स्टडी करवाने वाला हूँ। प्लेन मिरर्स ना आप लोगों ने टेंथ में स्टडी किया है, नाइन्थ में तो ऑप्टिक्स के बारे में कुछ था ही नहीं, एट्थ में एंड सेवेंथ में प्लेन मिरर्स के बारे में बहुत कुछ आपने स्टडी किया है। अब प्लेन मिरर का एक छोटा सा पैराग्राफ या एक दो तीन लाइन टेक्स्ट बुक में मेंशन कर दिया है और इसलिए वो चाहे तो प्लेन मिरर्स को लेकर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ सकते हैं और बहुत सारे टाइप के टेढ़े मेढ़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं और ये सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो भले ही टेक्स्ट बुक में प्लेन मिरर के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन प्लेन मिरर के क्वेश्चन जेडब्ल्यू में और नीट में दोनों में आते हैं और इसलिए मेरा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो कम्प्लीटली प्लेन मिरर्स को डेडिकेटेड होगा। आज हमारा जो चैप्टर था, आज का लेक्चर जो था वो कम्प्लीटली ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन था, तो उसमें बहुत सारी बेसिक छोटी छोटी बातें जो आपको बार बार जरूर पढ़ने वाली है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, ताकि अब जब मैं रियल चैप्टर शुरू करूंगा कल से तब मैं ये सारी चीजें बीच बीच में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सो आज के लिए इतना काफी है स्टूडेंट्स, और दो मिनट मेरे साथ बात कर लो, किसी को कुछ पूछा है तो आप अपने आप को अनम्यूट कर लो और मेरे साथ बात कर लो। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टॉक टू मी। किसी को कोई भी डाउट पूछना है, कोई डिफिकल्टीज है तो मेरे साथ बात करिए। एनी स्टूडेंट हैविंग एनी डिफिकल्टीज?
हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? यस समबडी स्पोक आउट. उत्सव डेरिया, डिड यू से समथिंग? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम्स? इफ नो, कौन सी डेफिनेशन वापस सही है? निष्ठा बोलो एक बार. निष्ठा को कोई डेफिनेशन चाहिए? कौन सी डेफिनेशन चाहिए? ये वाली, लास्ट वाली, लास्ट वाली डेफिनेशन चाहिए. लास्ट वाली डेफिनेशन चाहिए. ओके, एक्चुअली ये डेफिनेशन नहीं है, ये कंडीशन है. कंडीशन में ऐसे पूछा है कि किसी प्लेन मिरर में रियल इमेज कब मिलता है? When do you get a real image in a plane mirror? Then listen, I am repeating it. The question is, when do you get a real image in a plane mirror? Answer is when the incident beam of light, when the incident beam of light is converging. Converging means what? ये दूर से ऐसे आती है और एक पॉइंट पर मीट करती है, ऐसा लगने को लगेगा. ये रेज अगर पीछे जाते हैं तो आपको इमेज यहां मिलता है. तो ये रेज जो है एक पॉइंट पर मीट करेंगे ऐसा हमको लगता है, तो यहाँ इमेज मिलना चाहिए. लेकिन रिफ्लेक्शन होने की वजह से अपने को यहाँ पर इमेज मिल जाता है. तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक्चुअल सेंटेंस में, व्हेन द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ प्लेन मिरर वी गेट अ रियल इमेज. रिपीट करता हूँ, व्हेन द इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट इज कन्वर्जिंग देन After reflection from a plane mirror, the image formed is real. All right. So I hope that solves the problem. Anybody wants to ask anything else? Otherwise, we will end the lecture here. So let us go ahead. I think nobody has any more doubts. So hum ye lecture ko khatam karenge aur kal subah ko fix 7:45 ko milenge aur plane mirrors ko continue karenge. So that's enough for today. Everybody, take care and bye.